फूफू नमक है, इसे खा के आपकी फूफू निकल आए। फूफू नमक ये हेम सीड है, भांग दाना है, इसकी उत्तराखंड में चटनी बनती है, बहुत स्वादिष्ट। भांग दाना ये वही भांग है नशा जिससे। नमस्कार, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं उत्तराखंड के सारे जैविक उत्पाद जो वहाँ की दालें होती है और वहाँ पे बनी मिठाइयाँ होती है वो लेके आई हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके पहनावे के बारे में, ये आप स्पेशल कैसे करके आए हो, ये वहाँ का बेसिक है पहनावा? हाँ, ये गुलोबंद है, ये मैंने चांदी में पहना है, ये एक्चुअली सोने का भी होता है और ये पौची है। ये कुमाऊं में महिलाएं पहनती हैं और जिनकी शादी हो जाती है ये शादी में मिलता भी है सोने का। और ऐसी टोपी मैंने बड़ी सिंपल से देखी, आपकी बड़ी स्टाइलिश कैप है। ये किन्नौरी कैप है, इसमें मैंने कलगी भी लगाई है, ये भी चांदी की है और ये कैप्स लगाई है, ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर में पहनते हैं। बहुत बढ़िया, तो आज अब ये बताओ क्या स्पेशल लेके आए उत्तराखंड से? जी मैं लाई हूँ ये हेम सीड है, भांग दाना है, इसकी उत्तराखंड में चटनी बनती है और बहुत स्वादिष्ट। भांग दाना ये वही भांग है नशा जिससे होता है? नहीं, इससे नशा नहीं होगा बल्कि बहुत फायदेमंद है, जैसे अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपके हेयर फॉल हो रहा है और इसकी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को वैसे लेनी हो, ये अभी ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं? नहीं, अपने नंबर अगर शेयर करेंगे तो आप नंबर से ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, आप अभी नंबर भी शेयर करना, उसके अलावा और क्या क्या है आपके पास? हम लोग, हमारे यहाँ रागी बहुत फेमस है, रागी जिसे मंडुआ बोलते हैं उसके लड्डू लेके आए हैं, इसमें काफी सारी चीजें होती है, सोयाबीन का आटा होता है और कमरकस गोन सॉस और क्या होता है, पहाड़ में जब बर्फ गिरती है तो रिसोर्सेस कम हो जाता है खाने पीने के, तो हम लोग ऐसे लड्डू बना के रखते हैं तो सुबह अगर ये खा ले तो पौष्टिकता से भरपूर होता है। और आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ियों की इम्यूनिटी बहुत होती है, तो हम लोग ऐसे लड्डू खाते हैं और ऐसी पौष्टिकता वाली चीजें। सर्दियों में लोगों को गर्म रखते हैं क्योंकि वहां ठंडक ज्यादा होती है, सारी ऐसी चीजें डली हैं जो तासीर गर्म है और घुटनों के दर्द वगैरह के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, और क्या है स्पेशल, मतलब बिल्कुल एक स्पेशल हट के चीज हो जाए, क्या स्पेशल हो रही है? और हम लोगों ने मंडुए की बर्फी बनाई है, ये हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ये मंडुआ एक्चुअल में होता क्या, बेसिक्स थोड़ा सा बताएंगे? एक मिलेट होता है सर जो पहाड़ों में मिलता है और इसकी हम लोग रोटी खाते हैं और ये काफी ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होता है और जैसे शुगर पेशेंट्स वगैरह होता है उन लोगों को खाना चाहिए इस चीज की रोटी, और ये गर्माहट भी देती है, जैसे अगर आप हम लोग सर्दी में खाते हैं ना तो गर्माहट मिलती है। और आप ये स्पेशल बता रहे हो पहाड़ी दालें, पहाड़ी दालें और दिल्ली की दालों में कितना फर्क है, क्या फर्क है? बहुत सर, ये एकदम जैविक उत्पाद है, इसकी खेती के टाइम किसी भी तरीके का यूरिया या पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है, अगर डालेंगे तो इसका पूरा कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। तो हमारे उत्तराखंड में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल भी पेस्टिसाइड यूज नहीं हुई है, तो ये हर्षिल की राजवा है हमारे यहाँ की, ये बिना भिगाए गलती है, आप यकीन मानेंगे? भिगोनी नहीं पड़ती, भिगोनी नहीं पड़ती, सीधा उबाल दो खत्म, सीधा उबाल दो और खत्म। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये जोशीमठ की राजमा है, हमारे यहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ की तरफ पड़ता है ये राजमा, मतलब सफेद रंग की राजमा, सफेद रंग की, और ये लोबिया नहीं है, दिल्ली के लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, मेरे को एक्चुअली लोबिया ही लग रहा था। नहीं, ये लोबिया नहीं है, लोबिया अलग होता है और ये राजमा की वैरायटी है और इसे छेमी बुलाते हैं हम लोग। तो ये सारी उत्तराखंड में ही मिलती है? उत्तराखंड में ही मिलती है। अब ये बताओ दिल्ली में अगर कोई लेना चाहे कॉन्टेक्ट डिटेल बता दो। कॉन्टैक्ट नंबर है 9219601517 और मेरी एक दरखास्त है, जो भी लोग देहरादून आए, हमारी उत्तराखंड की पहाड़ी रसोई है, वहाँ पे हम लोग पहाड़ी खाना बनाते हैं, हमारी महिला समूह है तो हम लोग सारी महिलाएं वहाँ पे आपको चूल्हे की रोटी और कंडाली को साथ खिलाएंगे, तो जरूर आए देहरादून में पुलिस मुख्यालय के सामने उत्तराखंड की पहाड़ी रसोई। तो एक बार ना इनका ये विजिटिंग देख ले, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर उत्तराखंड जाते हैं पहाड़ी खाना खाना है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, और नमक भी होता है सर हमारे यहाँ का। ये नमक कैसा है? ये सिलबट्टे में पीसा हुआ नमक है। ये नमक जो सफेद होता है, पिंक देखा है, अलग अलग रंग, मतलब ये रंग कैसा नहीं देखा? ये फूफू नमक है, इसे खा के आपकी फूफू निकल जाएगी। फूफू नमक मतलब धुआं निकालने वाला है? हाँ, धुआं निकालने वाला है क्योंकि इसमें एकदम पहाड़ी मिर्चे, तीखी मिर्चे। तो ये तो मिर्च हुई या नमक कहेंगे इसे? ये सर नमक ऐसा होता है, इसे हम पिसियो लून बोलते हैं, पिसियो मतलब पीसा हुआ, लून मतलब नमक। हम लोग क्या होता है, हमारे हिमालयन सॉल्ट में काफी सारी चीजें हम लोग मिलाते हैं, जैसे भांग दाना हो गया और तिमरू हो गया, पहाड़ी हींग हो गई, लहसुन अदरक, तो जैसे खेतों में जाते हैं जब किसान तो सूखी रोटी के साथ भी खाते हैं, दही में मिला के भी खाते हैं, और चाट मसाला हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ककड़ी होती है, खीरे, तो हम लोग उसके ऊपर लगा के खाते हैं, तो ये बहुत स्वादिष्ट नमक होता है।